गुड मॉर्निंग सबको। देखो व्यू देखो, सुबह सुबह इतना तगड़ा है यहाँ पे। पीछे पहाड़, नीचे घर, वादियाँ ही वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ। वो दूर पहाड़ देखो, सब आसपास क्या खूबसूरत ना, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े पेड़, लंबे लंबे। भाई जी वो लंबे कम कर देन। गांधी मनी, यहाँ बहुत अच्छी धूप आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है। ठंड भी है, काफी अच्छी धूप आ रही है यहाँ पे। सोच रहे 5 मिनट बैठ जाते हैं, तो मैं ही सबसे ज्यादा लेट उठा हूँ, दोनों पहले के उठे हुए हैं, इनको आदत है शायद। तो कूड़े वाले वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे, तो उन्हें उठा दिया और मैं ही लेट उठा हूँ। मेरे को था ये कि यार मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगा तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी, ट्रैवल भी करना है। ये देखो हमारा भाई अंदर पता नहीं हो। से। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोल। तो और फिर यार वो गेट रेडी गाइस, यार होती है वो ले आनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं फिर खाना खा के। सुबह हमने परांठे खाने थे, सोचा था यहाँ ऊपर बाहर खाएंगे कसम टी। अब देखते हैं इस टाइम मिलेंगे कि नहीं, अगर मिलेंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो कहीं और देखेंगे कि और अल्टरनेटिव देखेंगे। उससे पहले हम पियेंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि ठंड है थोड़ी और थोड़ी सुस्ती भी चले जाएगी। तो चाय बनाते हैं फिर पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चाय रेडी है बिल्कुल, एक नंबर की चाय बनी है, और बस ये पी के निकलते हैं हम लोग। रास्ते पे परांठे खाएंगे और उसके बाद जहाँ हमने जाना है वहाँ जाके दिखाएंगे आपको एक नया स्पॉट। कई लोगों ने देखा होगा, हमने रात भी बोला था कई लोगों के लिए नया होगा है। यहाँ से कुछ तकरीबन 50 किलोमीटर है आ रहा हूँ, तो अब हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। मेरे भाई ने पहले देखो क्या है, देखो अगर भाई ने क्या पहन रखा है रात से, बिल्कुल सेक्सी वाला पजामा। किसी बात निकलते हैं फिर करते हैं आपसे बातचीत। ऊपर वाला फ्लोर है इस घर का, खाली पड़ा है बिल्कुल। छत देख रहे हो कितनी पास है, तो ये हम ऊपर आए थे, ये ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली है, यूज़ में नहीं है ये। तो ऊपर आए थे हम अभी, बिल्कुल ही छत इसकी बिल्कुल ही क्लोज है। तो छत कितनी क्लोज है इस रूम की, और बेड भी बिल्कुल ही, मतलब जिसको कहते हैं ना लकड़ का बना हुआ है। बहुत ही छोटी छत और डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे। मज़ा आया वैसे यहाँ रहने का, रात को इसने बताया नहीं, चलो फिर कभी सही। ठंड में यहाँ मज़ा है, बिल्कुल ही कोजी कोजी सा है, बिल्कुल छोटी छत है ये। भाई इज रेडी टू गो, रॉकेट गाड़ी में बैठ गए हैं, हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। यो हीरो लग रहा है ना आपका भाई, झूठ मत बोलना। तो अब हम चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी गर्म हो गई है, तो गाड़ी निकालते हैं यहाँ से, रास्ते में चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, ब्यूटीफुल सा रास्ता, प्यारा प्यारा। चलो चिड़ी पास नु अखा मखा आ गई है। I'm a prime boy ਚੋੜੈਰ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾ ਰੱਖੀ ਅੰਕਾ ਜੋਨੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਚੋਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਜੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮਣੇ ਨਾ ਫੋਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੜਦੀ ਵਰੇਸ ਚ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਾਖਨੀ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਕਨੀ ਆਉ ਮਾੜੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹਾਉ ਡਾਇਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ धरती हाँ मान साहब मैं औड़ा मारी
यहाँ पे भंडारा लगा हुआ रास्ते में, सुबह से कुछ खाया तो था नहीं, क्या लेट हो गए थे इस वजह से, तो वैसे भी कम ही खाते हैं हम। वो देखो ऊपर बैठे लोग बना रहे, कितनी सेवा कर रहे हैं श्रद्धा से। और भाई लोग हम लोग नालदेहरा पहुंच गए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है ये गोल्फ ग्लेड नालदेहरा होटल, बहुत खूबसूरत है और ऊपर गोल्फ कोर्स भी था। वहाँ जाना अलाउड नहीं है, संडे को शायद अलाउड है वहाँ पे क्योंकि मेंबरशिप चाहिए उसके लिए। तो बहुत ही प्यारी जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, आप भी आना और देखना। मेरे नाल करी भाई चंगी गल नी, बिगड़ी तू कल नी ते अज परा चल नी, निभाल विच करेंगी खराब सदरा गया दे बेड़े च छिड़का के आई है। व्यू देखो यहाँ पे, व्यू पीछे फिर से लगेगा यहाँ पे, व्हाट अ व्यू, सेक्सी देख रहे हो पीछे, देखो तो भाई क्या प्योर हवा है यहाँ पे, क्या नेचुरल हवा है, मतलब शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम ऐसा फील होता है कि तुम एकदम फ्रेश जगह आ गए हो पूरा, मतलब सो पीस सो काम और इतना प्योर है इस जगह में हवा, मतलब हफ्ते में नहीं तो 15 दिन या महीने बाद एक इंसान यहाँ ज़रूर आना चाहिए, चाहे वीकेंड के लिए चाहे 2 दिन किसी भी जगह। माउंटेन्स वो सामने व्यू देख रहे हो कितना प्यारा है, ये देखो सामने, हैव अ लुक, ब्यूटीफुल, मतलब कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है प्लेन एरिया चंडीगढ़ से, इट्स 2-3 hours ड्राइव, 3-4 hours की ड्राइव है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ज़रूर आओ यहाँ पे, देखो इतना अच्छी धूप निकली हुई है, कल यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है, यहाँ कुफरी में पीछे वो दूसरा रास्ता है लेकिन नीचे सो ग्रीन, और ये देखो यहाँ पे पंजाब से बॉम्बे, बॉम्बे से पंजाब, हाँ दीप मेरा भाई, गली गैंग गली गैंग, तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर पहाड़ों पे, बहुत सेक्सी व्यू है, वो नीचे आप देख सकते हो वो घर, और वो बहुत ही प्यारी, वो सतलुज नदी है नीचे, सतलुज पीछे पहाड़ है इसके, ये देखो हम वहीं जा रहे हैं, वो नीचे सुन्नी है उसके साथ में ही तत्ता पानी है, ये देखो कितना सेक्सी व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू, नीचे ब्रिज भी है हम देख सकते हैं अच्छे से, वेरी क्लियर। तो हम फिर पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, सुन्नी है एक जगह तत्ता पानी से पहले, वहां पे हम पेट्रोल नहीं डीजल डलवाएंगे, सॉरी मैं भूल गया, फिर 500 का, इससे ज़्यादा नहीं भाई लोग, देखो गाड़ी कितनी चलती है अपनी, फैमिली निकालती है धूमधाम से। तो सुन्नी एक जगह है, वहाँ पे गाने की शूटिंग हुई है, सुन्नी सुन्नी अखी वाली,
मोहब्बतें की, मजाक कर रहा हूँ मैं, गंदा मजाक, गंदा ह्यूमर है मेरा। तो यहाँ से हम डलवाएंगे डीजल, रात को डलवाया था 4 सेक्टर के पेट्रोल पंप से चंडीगढ़, तो अभी तक बढ़िया चल रहा है। अभी भी वैसे डीजल पड़ा है उसमें, पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं डलवा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में कोई वापसी में कोई फिलिंग स्टेशन है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं डलवा लेता हूँ। थोड़ी चढ़ाई भी है जाते हुए तो ज़्यादा यूज़ होगा। आगे, और है फिलिंग स्टेशन। आगे भी है एक, आगे भी है, चलो ये, पर ये अच्छा है भाई, मेरा बोल रहा है कि बेस्ट है, तो हम लोग यहीं से डलवाएंगे। बाकी जाके करते हैं रूबरू। ये सतलुज रिवर कितनी पास से, और कितना ब्लू वाटर है इसका, स्टिल है लेकिन बहुत ही प्यारा। वो देखो पूरा व्यू। ये हम खड़े हैं सेल्फी पॉइंट ढाबा पे, तो ये रास्ते में ही आता है, बहुत प्यारा है। तो ये रोड आ रही है वहाँ से, ये अपने गिटारिस्ट गांधी ब्रो, और ये बहुत ही प्यारा है, हॉट स्प्रिंग है वो सामने, आप देख सकते हो, तो दिखाता हूँ जूम करके, वो सामने लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग बाथ आयुर्वेदा। तो ये वो होटल के अंदर है, हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो बाहर है, वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कितने चार्जेस है भाई? 200 रुपीज़ पर पर्सन। पहले ये ओपन होता था लेकिन अब ये होटल वालों ने एक्वायर कर लिया है, तो वो अंदर जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। यार 200 गलत बोल दिया, कितना है? चलो कोई चक्कर नहीं, बताओ। कुछ नहीं, हमें वैसे आइडिया नहीं है, इतना ही कुछ है। तो अगर आप फ्री में, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब ये बंद हो चुका है, लोग यहाँ नहा नहीं सकते हैं, तो हम लोग आपको उस जगह लेके जाएंगे जहाँ पे आप फ्री में नहा सकते हो, सेम हॉट स्प्रिंग बात ले सकते हो, लेकिन होटल के अंदर जाओगे तो चार्जेस लगेंगे। तो ये है वो, ऊपर सड़क आ रही है, तो देखिए व्यू, ये पूरा सतलुज है, वो सामने बोट्स फुल हो रही हैं, उसमें उसमें लोग बैठ रहे हैं। तो ये ऊपर पीछे पहाड़, एक ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो पेड़ बीच में, सतलुज के बीच में जड़े हैं ये पेड़ों की, पेड़ लगे हुए हैं बीच में, मतलब ये पता नहीं, अंदाज़ा नहीं अब कितना डीप है ये, ज़्यादा फ्लो भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन देखने में तो बहुत ख़तरनाक लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में पानी, ये हमारे बाइकर लोग खड़े हैं, सारे BMW के बाइक हैं इनके पास, ये लोग यहाँ पे आए हैं राइड करते हुए, तो बीमर बाइक्स हैं सबके पास, BMW के शिमला नंबर बाइक्स हैं ये, तो अच्छी बात है, राइड कर रहे हैं लोग। किसी को बाइक का शौक है, किसी को कार का, किसी को घूमने का, अपने को तो सब चीज़ों का शौक है, घूमना फिरना, नज़ारे लेना, मौजे मारना। गर्म पानी ही आ रहा है ऊपर से, तो ब्रिज भी बहुत खतरनाक है, गिरी ना जाए इससे। तो व्यू काफ़ी तगड़ा है, ये दिखाते हैं आपको आगे लेके जाके, ये सारा नीचे से गर्म पानी आ रहा है, जगह जगह पे लोग नहा रहे हैं, लड़के यहाँ पे ऊपर में ही। और ये हम आ गए हैं बिल्कुल किनारे पे, ये सतलुज रिवर है, तो ऊपर पीछे पहाड़, वो बोट खड़ी है वहाँ, हमने गाड़ी पार्क की, और ये देखिए आप नज़ारा, उस साइड से हमने पहले वीडियो बनाई थी, और ये हम बिल्कुल नीचे रिवर है, जो कि बहुत ही पास से ख़तरनाक लग रहा है, सतलुज है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ा रिवर है। यहाँ स्पीड बोट्स भी खड़ी हैं, यहाँ भाई लोग खड़े हैं अपने आगे, उन्होंने बात कर रहे हैं, ये आयुर्वेदा वाला हॉट स्प्रिंग। तो ये देखो वेव रनर मोटर बोट, यहाँ पे गेटी भी बोलते हैं इसको शायद, और ये दूसरी, तो नज़ारा ही नज़ारा, चलाते होंगे एकदम भूम करके, जाते होंगे लोग यहाँ से फुल। और ये एक और बोट खड़ी है यहाँ इस साइड पे, ये बड़ी यूनिक सी बोट लग रही है, मैंने ऐसी देखी नहीं, इसका स्टेयरिंग है बीच में ये, और ये बहुत सेक्सी, इसमें तो बेड टाइप भी लगा हुआ है कुछ, तो आप इसको देख सकते हैं, ये पता नहीं किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, पूछेंगे चलो अभी किसी से,
शिकारा है। तो बहुत शिकारा नहीं है ये, शिकारा ऐसी थोड़ी होती है। मतलब शिकारा डल लेक में, कश्मीर में, चंडीगढ़ में भी वैसे एक आधी सुखना लेक पे। तो तगड़ा ही व्यू है यहाँ पे यार, हर कुछ बहुत प्यारी जगह है। ऊपर होटल है, रिजॉर्ट है, इसके अंदर भी हॉट स्प्रिंग है, पर वो प्राइवेट है। अगर तुमने आना, मैं इस होटल की बात कर रहा था, तो इसमें आप लोग आके चार्जेस दे के वो लोग यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का लुफ्त उठा सकते हैं। तो ये एक बोट उल्टी पड़ी है यहाँ पे। चलो अब नहाते हैं थोड़ी देर, फिर करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब हॉट स्प्रिंग में नहाने। उससे कहते हैं कि वो हो जाता है काफ़ी बॉडी में ना, जो एक जो भी पेन है, कोई प्रॉब्लम है, वो सही हो जाती है, कह रहे हैं यहाँ के लोग। ये भाई का यहीं का ही है अपना दोस्त नजिकरी। और दूसरी बात, हम लोग पैसे भी बचा रहे हैं, हम फालतू पैसे नहीं खर्च करते, क्योंकि अगर हम होटल में जाएंगे और पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, तो हम लोग यहीं फ्री में आनंद उठाएंगे। जहाँ पैसे खर्चने हैं वहाँ खर्चेंगे ना भाई लोग, और जहाँ नहीं खर्चने वहाँ तो बचा सकते हैं। पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको वैल्यू करना सीखो। See you.